हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मंजू और आप देख रहे हैं मंजू की बगिया। फ्रेंड्स, मैंने अपना गार्डन समय समय से आप सभी के साथ शेयर किया हुआ है। आज मैं अपने गार्डन के कुछ हिबिस्कस आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं और मैं दिखाऊंगी कि मेरे गार्डन में कितने कलर के हिबिस्कस इन दिनों फ्लावरिंग पे बने हुए हैं, फूल कैसे आ रहे हैं, किस कलर के हैं, कैसा पेटल है, वो सब मैं इस वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो मैंने अपने बोगनवेला को मैंने दिखाया हुआ है और इसकी मैंने वीडियो भी डाली है, आप सभी ने बहुत पसंद किया है। अगर आप तो लगाना चाहते हैं तो बोगनवेला फर्स्ट नंबर पर है, आप इसे अपने गार्डन में लगा सकते हैं। तो देखिए कितनी अच्छी फ्लावरिंग चल रही है और अभी भी ये हमारे गार्डन में इसी तरह से फ्लावरिंग पे बने हुए हैं। तो चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर। और जो हिबिस्कस हमारे यहाँ खिले हैं वो हाइब्रिड हैं और उन्हीं हाइब्रिड हिबिस्कस को मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आने पे लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा ताकि हमारी आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। पहले नंबर पर यहाँ पर हिबिस्कस है येलो और रेड, ये देखिए कितना खूबसूरत है और इसमें फ्लावरिंग ज़बरदस्त चल रही है। आज ही इसका फूल खुला है और ये अभी बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। यहाँ पर देखिए इसमें कलियाँ आई हुई हैं, ये रेड कलर का है और इसमें भी कली आई हुई है और इसका फूल कल खिला था, आज इसमें फ्लावरिंग नहीं है। यहाँ पर येलो कलर का है जिसमें कलियाँ आ रही हैं और ये कटिंग से लगा हुआ प्लांट है। देखिए ये फूल खिलने वाला है, यहाँ पर खिला हुआ है और मैंने इसकी कटिंग लगाई हुई थी। यहाँ पर रेड कलर का है और बहुत ही खूबसूरती से इसमें फूल आए हुए हैं, देखिए तमामों इसमें फूल आ रहे हैं, रोज़ ही कुछ ना कुछ फूल आ रहे हैं और इसके फूल झड़ भी रहे हैं। यहाँ पर पिंक कलर का है और बहुत ही खूबसूरत इसमें फूल आया हुआ है। ये है येलो और येलो में देखिए कलियाँ आ रही हैं, आज इसमें फूल नहीं खिला है, कल इसमें 3-4 फूल खिले थे। नहीं नहीं है, इसमें देखिए नीचे की तरफ है, ये देखिए कितना खूबसूरत, इस तरह का येलो है ये। यहाँ पर एक और है ये रेड कलर का, यहाँ पर मल्टी पेटल हैं रेड कलर के जिनमें की फ्लावरिंग भरपूर होती है, कलियों से ये भरे हुए हैं, जहाँ तहाँ इसके फूल खिल रहे हैं। यहाँ पर देखिए ये रानी कलर का है और इसमें तमामों फूल आए हुए हैं कुछ इस तरह से, बहुत ही खूबसूरत कलर है। यहाँ पर फिर से मल्टी पेटल है हिबिस्कस और ये सब हाइब्रिड हैं और अगर आप हाइब्रिड अपने गार्डन में लगाते हैं तो इसी तरह से फ्लावरिंग चलती है और देखने में बड़े ही खूबसूरत लगते हैं। यहाँ पर पिंक कलर है और बहुत ही खूबसूरत है, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। मुझे हिबिस्कस बहुत ही पसंद हैं इसलिए से मैं इन्हें अपने गार्डन में रखती हूँ। यहाँ पर देखिए येलो कलर के हैं और इनके फूल कुछ मुरझाए हैं क्योंकि धूप बहुत तेज़ है। यहाँ पर नीचे फिर से मल्टी पेटल हिबिस्कस है। चलिए और देखते हैं, ये है वाइट कलर जिस पर एक छोटी सी तितली बैठी है। इन दिनों मेरे यहाँ बहुत सी तितली आ रही हैं और देखने में बड़े ही खूबसूरत लगता है क्योंकि ये नेचर से जुड़ा हुआ है गार्डन, तो जिसने भी गार्डन बनाया है वो नेचर को महसूस कर सकता है। यहाँ पर देखिए कितनी खूबसूरती से ये बैठी हुई है और वाइट कलर का ही हिबिस्कस है, फूल इसमें तमामों आ रहे हैं, कलियों से ये भरे हुए हैं। यहाँ पर देखिए एक और है, इस तरह से इसकी फ्लावरिंग चल रही है। यहाँ पर एक पिंक है जो कि बहुत ही खूबसूरती से इसमें फ्लावरिंग चल रही है। कलियाँ तमामों आ रही हैं, फूल भी बहुत ढेर सारे खिल रहे हैं और देखने में बड़े ही खूबसूरत लग रहे हैं। तो मुझे हिबिस्कस बहुत ही पसंद है और मेरे गार्डन में इन दिनों इनकी बहुत अच्छी फ्लावरिंग चल रही है, इसलिए से मैंने अपने सभी हिबिस्कस आप लोगों के साथ शेयर किए। और मुझे उम्मीद है कि आप भी अपने गार्डन में इन हाइब्रिड हिबिस्कस को लगाएंगे और इनके सुंदर फूलों का आनंद उठाएंगे। लगाने के लिए किस तरह से लगाना है, कैसे इनकी केयर करना है, मैंने सब अपनी पुरानी वीडियो में बताया हुआ है और मैं जो करती हूँ वही मैं अपने उसमें बताती भी हूँ ताकि जो भी हमारे भाई बहन हैं वो इजीली इनको अपने गार्डन में ऐड कर सकें और इनके फूलों का आनंद उठा सकें।
तो देखिए रेड कलर बहुत ही खूबसूरत है, काफ़ी बड़े बड़े फूल आए हैं और इसमें इनकी जो ग्रोथ है वो अब बहुत अच्छी चल रही है, कलियों से ये भरे हुए हैं इसलिए से अभी इनकी फ्लावरिंग काफ़ी दिनों तक चलेगी। तो यही थी हमारी आज की इस वीडियो में, और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के, तब तक के लिए बाय।